बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इल्म का ख़जाना चैनल पर आप लोगों के लिए हज उम्रा तरबियत का छोटी छोटी वीडियोस बना के सिलसिला शुरू किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस चैनल इल्म का ख़जाना पे जाएंगे, वहाँ पर वीडियोज़ में जाएंगे या प्ले लिस्ट में जाके और फिर उस टॉपिक की वीडियो को सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो छोटी सी वीडियो होती है, आपको बड़ी वीडियो में उस इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो देखना ना पड़े। मेरी ये भी कोशिश होती है कि थंबनेल इतना सिंपल ही सही, लेकिन आपको थंबनेल देख के ये अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर वीडियो में क्या कंटेंट है। दूसरी मेरी ये कोशिश होती है कि हर वीडियो के शुरू में मैं आपको दो जुमलों में उस वीडियो के बारे में समराइज कर दूं, ताकि आपको पता चल जाए आप क्या देखने जा रहे हैं। मजीद ये कि आगे जाके अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलती है, क्योंकि मेरी कोई भी बात रिपीट में नहीं करती और ना ही मैं खामोखा का लंबा करती हूँ। मेरी टोटल वीडियो इन्फॉर्मेशन से फुल होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले चार अक्सात में हम स्लाइड नंबर 15 तक कर चुके हैं कवर। आज की जो वीडियो है उसमें एयरपोर्ट के मराहल, हवाई जहाज की एहतियातें, मीकात और नियत तलबी और आगाज एहराम शामिल है। इन टॉपिक से तफसीलन डिटेल बताई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एहराम की पाबंदियों के मुतालिक होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये सफर पहला सफर होगा, लिहाजा उनके लिए ये बहुत मालूमाती वीडियो होगी। और जो लोग अक्सर सफर करते रहते हैं जहाज का, उनको भी अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ इससे नॉलेज जरूर मिलेगी। एयरपोर्ट के मराहल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिले के मौके पर आपके हाथ में पासपोर्ट और टिकट होना चाहिए। इस मौके पर प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार आपसे टिकट और पासपोर्ट दिखाने का मुतालबा करेंगे, लिहाजा ये दोनों चीजें आपके हाथ में रखें। आपको फ्लाइट के दिए हुए वक्त से कम अज कम 4 घंटे कबल एयरपोर्ट में दाखिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट के मराहल तय करने में तकरीबन इतना ही वक्त सर्फ होगा। अगर आप एयरपोर्ट इतनी देर से जाएंगे कि बोर्डिंग का अमल खत्म हो चुका हो तो एयरलाइन का अमला आपको जहाज में सवार कराने से माजरत कर सकता है। सामान की तलाशी और जामा तलाशी। एयरपोर्ट में दाखिल होते ही आपको अपना तमाम सामान बशमुल सूटकेस, कंधे का बैग, अस्सा और व्हीलचेयर वगैरह एक्सरे मशीन में डालने होंगे और जामा तलाशी के अमल से गुजरना होगा। ख्वातीन की जामा तलाशी के लिए अलहदा कमरे होते हैं जहां तलाशी के लिए ख्वातीन अहलकार होती हैं। फिर कस्टम और मंशियात की पुलिस की जानिब से तलाशी। कस्टम के अहलकार आपसे आपके बैग खोलने को कहेंगे, उनके हमरा मंशियात की रोकथाम वाली पुलिस भी होगी। बैग के तालों की चाबी तैयार रखें, देर होने की सूरत में वो ताला काट देते हैं। वो अहलकार आपके सामान की तलाशी लेंगे। ममनू अशिया इस मौके पर जब्त कर ली जाएंगी। मंशियात बरामद होने की सूरत में गिरफ्तारी अमल में आएगी। इस मौके पर कस्टम अहलकार आपसे हल्के फुल्के दीगर सवालात भी कर सकते हैं। सामान की रैपिंग। फी बैग तकरीबन 300 रुपए में होती है। इसका फायदा है कि सामान महफूज हो जाता है। व्हीलचेयर और स्ट्रॉलर अगर लगेज में डलवाना चाहेंगे तो लाजमी रैपिंग करानी पड़ेगी। इससे बचने का तरीका यह है कि उनको इस्तेमाल में रखें और जहाज में सवार होते वक्त एन जहाज के दरवाजे के करीब अमले के हवाले कर दें और लगेज में जमा कराने का टोकन वसूल कर लें। नेक्स्ट मरला है बोर्डिंग पास का हुसूल और लगेज को अमला के हवाले करना। आप अपनी एयरलाइन के काउंटर पर चले जाएं, टिकट और पासपोर्ट हाथ में रखें। अमला आपसे टिकट और पासपोर्ट लेकर सामान को बरकी तराजू पर रखने को कहेगा। अगर सामान वजन की हद के अंदर होगा तो अमला इस पर एक बारकोड लगाकर इसको आगे रवाना कर देगा। अब ये सामान आपको सऊदी अरब में ही मिलेगा। बारकोड की एक कॉपी आपके टिकट पर लगा दी जाएगी। इस बारकोड को संभाल कर रखें जब तक सामान दोबारा मिल ना जाए। सामान आगे रवाना करने के बाद अमला आपको सीट नंबर अलॉट करेगा। अगर आपको खिड़की वाली सीट चाहिए तो उस वक्त आप अमले से दरख्वास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मरला है इमिग्रेशन और पासपोर्ट की चेकिंग का। ये सबसे अहम मरला है। इसमें आप FIA के काउंटर पर जाएंगे जहां आपको बोर्डिंग पास और पासपोर्ट FIA अमला को देना होगा। FIA का अमला आपकी तस्वीर लेगा
और पासपोर्ट पर एग्जिट की मोहर लगाएगा। इस मरहले से फारिग होकर डिपार्चर लाउंज की जानिब रवाना हो जाए। रास्ते की रहनुमाई एयरपोर्ट के अमले से मिल जाती है। आखिरी जामा तलाशी, यानी अब दोबारा आपकी जामा तलाशी होगी। ये जरा सख्त होती है। हैंड कैरी को एक्सरे से गुजारा जाता है। जूते और तमाम आहिनी अशिया, मसलन घड़ी, चश्मा, अंगूठी वगैरह उतरवा ली जाती है। मेटल गेट से गुजरने के बाद हर फर्द को मुकम्मल जिस्मानी एक्सरे के लिए एक मखसूस मशीन के सामने खड़ा होना पड़ता है। खवातीन की तलाशी के लिए खवातीन अहलकार और अलहदा कमरा होता है। बड़ा सामान तो आपका लगेज में जा चुका है, लेकिन अभी भी लेडीज का पर्स, हैंड कैरी और लैपटॉप बैग वगैरह आपके साथ है। आप अपने पर्स के आगे की जेब में बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट वगैरह रखें, ताकि बवक्ते जरूरत फौरन निकाल के दिखा सकें। और इन सामान की भी हिफाजत आपको जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट मरहला है इंतजारगाह में इंतजार और एहराम को ठीक करना अगर जरूरत हो तो। लाउंज में परवाज का इंतजार करना। मंदरजा बाला तमाम मराहिल से फारिग होकर लाउंज में इस गेट नंबर के पास आकर बैठ जाएं, जिसका नंबर आपके बोर्डिंग पास पर दर्ज होगा। अगर टॉयलेट वगैरह जाना हो तो जा सकते हैं। एहराम को ठीक करना हो या बांधना हो तो वो भी लाउंज में मौजूद एहराम वाले कमरे से फायदा उठाया जा सकता है। एयरपोर्ट के मराहिल का आखिरी मरहला है जहाज में सवार होने का। जहाज में सवार होने के ऐलान पर कतार में इज्जत के साथ, वकार के साथ सवार हो, और सवार होने से कबल एयरलाइन का अमला बोर्डिंग पास लेकर इसका बड़ा हिस्सा अलहदा करके अपने पास रख लेगा और छोटा हिस्सा आपको दे देगा, जिस पर आपका नाम और सीट नंबर दर्ज होगा। इस हिस्से को हाथ में रखें। एएसएफ का अमला इस मौके पर पासपोर्ट पर एग्जिट की मोहर भी चेक कर सकता है। सऊदी एयरलाइन का अरबी अमला सवार होने से कबल हाथ में मौजूद सामान को चेक कर सकता है। हवाई जहाज की एहतियातें। जहाज की मेन सबसे बड़ी एहतियात यह है कि जहाज के फजा में बुलंद होने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद जहाज में मीकात की हुदूद का ऐलान होगा, और मीकात शुरू होने से पहले पहले आपको हर हाल में हज या उम्रे की नियत करनी है, वो लाजमी है। अगर आपको जरा सा भी शक हो कि आप गफलत में रह जाएंगे या सो जाएंगे, तो इस सूरत में आपको जहाज जैसे ही परवाज शुरू कर दे, आप नियत भी कर लें और तलबी भी पढ़ लें। जहाज की कुछ एहतियातें हैं, उस बात का खास ख्याल रखना होगा। नंबर एक, सिर्फ उस नशिस्त पर तशरीफ रखें जिसका नंबर आपके बोर्डिंग पास पर दर्ज हो। अगर आपकी नशिस्त पर कोई दूसरा फर्ज बैठ जाए तो अदब से उनसे हटने के लिए कहें। बैनुल अक्वामी फजाई कवानीन के तहत ये जरूरी है कि आप सिर्फ उस नशिस्त पर बैठें जो आपको दी गई हो। नंबर दो, परवाज से कबल आपको सीट बेल्ट बांधने का तरीका, हंगामी हालत की एहतियातें, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल और दीगर एहतियातें बताई जाएंगी। उनको गौर से सुने और जहन नशीन कर लें। सीट की जेब में रखे हुए हिदायत नामे को भी गौर से पढ़ लें। हंगामी अखराज के रास्तों को भी नोट कर लें। सफर की दुआ भी पढ़ लें। नंबर तीन, दौरान परवाज सीट बेल्ट बांधे रखें। सीट बेल्ट बांधने के निशान पर भी नजर रखें। जहाज में सिगरेट नोशी और आग जलाने पर सख्त पाबंदी होती है। नंबर चार, जहाज के टॉयलेट बहुत छोटे और सिर्फ महदूद इस्तेमाल के लिए होते हैं, लिहाजा कम खाएं पिएं। कोशिश करें कि घर और एयरपोर्ट से ही फरागत हासिल करके जाएं। नंबर पाँच, दौरान परवाज मोबाइल फोन बंद रखें। नंबर सिक्स, जहाज के जमीन पर उतरने के बाद अक्सर लोग जल्दी से अपना सामान उठाकर उतरने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाज के उतरने के बाद दरवाजा खुलने तक कम से कम 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसी जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, जिससे आप खुद भी मुश्किल में आ जाएं और आपकी वजह से वो लोग भी जो आराम से सीट पर बैठे हैं। आपको उतारे बगैर जहाज कहीं नहीं जाएगा। नंबर सात, शीरख्वार बच्चों की सीट बेल्ट, कंबल, तकिया और उल्टी की थैली आपको फजाई मेजबान से मिल जाएगी। नंबर आठ, अगर आपको नजला रहता है तो कान में दर्द हो सकता है। जहाज में कान के प्लग नहीं मिलते, ये आपको खरीदने होंगे। मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। रहनुमाई के लिए तस्वीर सामने दी गई है। जहाज के फजा में बुलंद होने पर अक्सर
लोगों के कान बंद होने लगते हैं। इसके लिए बार बार थूक नगलते रहें। अगर हमरा बच्चे हैं तो उनके कान में एयर प्लग या रुई लगाएं और उनके मुंह में चूसनी या कोई चूसने वाली चीज दे दें, जिससे वो थूक नगलते रहें। मसलन आप लॉलीपॉप भी दे सकते हैं, आप कोई टॉफी भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। अगर बच्चे रोए तो परेशान ना हो, ये वक्ती होता है। मीकात हुदूद हरम के गिर्द वाक़े अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है। अगर आप बराए रास्त मक्का जाना चाहते हैं तो आपको पहले जद्दा जाना होगा, जो मक्का मुकरमा का करीब तरीन एयरपोर्ट है। कराची से जद्दा का बराए रास्त फजाई फासला तकरीबन 4 घंटे और मदीने का 5 घंटे 40 मिनट का है। कराची से जद्दा जाने की सूरत में एहराम की चादरें घर से ही बांध लें। जहाज की के फजा में बुलंद होने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद जहाज में मीकात की हुदूद का ऐलान होता है। मीकात अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा एक हुदूद है, जो हुदूद हरम के चारों तरफ है। मीकात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी जब भी मक्का का रुख अख्तियार करेंगे, उनको मीकात से कबल लाजमी एहराम बांधना होगा, वरना दम लगेगा और गुनाह भी होगा। मजीद बराम मीकात पर वापस जाना भी पड़ेगा। जनायात में तफसील आगे है। पाकिस्तान मीकात से बाहर है और पाकिस्तान के तमाम रिहायशी आफाकी हैं, लिहाजा हम अहले वतन पर मीकात पर एहराम बांधना लाजिम है। पाकिस्तान से जद्दा जाने वाली तमाम एयरलाइंस मीकात आने से तकरीबन 10 मिनट कबल मीकात की हुदूद का ऐलान उर्दू जबान में करती हैं। अगर आप जहाज में सो जाते हैं तो अपने हमसफर से जगाने की दरख्वास्त करके सोएं, और अगर कोई हमसफर सो रहा हो तो उसको अदब से जगा दें। अगर आप पाकिस्तान से पहले बराए रास्त मदीना जा रहे हैं और मदीना से आप मक्का जाएंगे तो आपको एहराम मदीना से मक्का जाते हुए अबियार अली मदीना का एक मुकाम है में मस्जिद मीकात से बांधना होगा, जिसका जिक्र आगे आना है। अगर आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग है यानी उमरा में अक्सर जायरीन कनेक्टिंग फ्लाइट का टिकट लेते हैं, तो बहुत इम्कान है कि पहले आपका जहाज मीकात के बाहर किसी एयरपोर्ट पर रुकेगा, मसलन रियाद या दुबई। ऐसी सूरत में आप इस एयरपोर्ट पर भी एहराम बांध सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि आपको इतना वक्त दस्तियाब हो कि आप वहां एहराम बांध सकें। अमूमन 4 से 5 घंटे का वक्त मिलता है, जो कि नाकाफी होता है, क्योंकि आपको सफरी कार्रवाइयों और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में ही 4 से 5 घंटे सर्फ हो जाएंगे। रियाद और दुबई एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में होता है। इस बात को यूं समझ लें कि कराची एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो रियाद एयरपोर्ट, जो जद्दा एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट से काफी छोटा है, के एक छोटे से हिस्से के बराबर है। इस मामले में अपने ट्रेवल एजेंट से मशवरा जरूर करें। खाना काबा के अतराफ में जो फिरोजी कलर का पोर्शन है, उतना इलाका हुदूद हरम कहलाता है, जबकि जो पिंक कलर का हिस्सा है वो मीकात कहलाता है, और इससे बाहर वाला हिस्सा आफाक कहलाता है। पाकिस्तान मीकात से बाहर है यानी आफाक में है, लिहाजा हम आफाकी हुए। मशवरा यह है कि घर से सिर्फ एहराम की चादरें बांधें, नियत मीकात के ऐलान के साथ करें या इससे थोड़ा पहले कर लें। एहराम की पाबंदियां सिर्फ चादरें बांधने से नहीं शुरू होती, नियत और तलबिया भी जरूरी है। अक्सर जहाज लेट हो जाता है या कोई और मजबूरी पेश आ जाती है, जिसकी वजह से एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। तवज्जो दें कि एहराम की नियत कर लेने के बाद जहाज में मिलने वाला गीला टिश्यू इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें खुशबू होती है और एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी खुशबू का इस्तेमाल ना करना है। नियत, तलबिया और आगाज़े एहराम। नियत अपनी जबान में भी की जा सकती है और नियत के बाद कम से कम एक बार तलबिया कहना फर्ज है और 3 दफा कहना सुन्नत है। तलबिया के अल्फाज अच्छी तरह याद कर लें। नियत और तलबिया के साथ ही आप पर एहराम की पाबंदियां लग जाएंगी। हज तमतों पर जाने वाले हजरात मीकात पर उमरा की नियत करेंगे, हज की नियत अभी नहीं करनी। मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, अपनी आवाज को बुलंद करके दूसरों को तकलीफ नहीं दें। ग्रुप की सूरत में तलबी कहने
के बजाय अलहदा अलहदा अदा करें। खवातीन अपनी आवाज को पस्त रखें, खवातीन की आवाज का भी पर्दा होता है। उम्रा पर जाने वाले और हज तमतों पर जाने वाले मीकात पर सिर्फ उम्रा की नियत इन अल्फाज में कर सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए उम्रा का इरादा करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमाइए और कबूल फरमाइए, आमीन। नियत अपनी जबान में भी की जा सकती है। इसके बाद तीन मरतबा तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक सब तारीफ और नेमत आप ही के लिए है और सारा जहां ही आपका है, आपका कोई शरीक नहीं। नियत कर लेने के बाद वक्तन फवक्तन दौरान सफर तलबी कहते रहें। तलबी जब भी कहें तो कम से कम तीन दफा कहें। जबान से कहना जरूरी है, सिर्फ दिल का इरादा काफी नहीं होगा। और मर्दों को तलबी इतनी आवाज से कहना है कि खुद सुन सके, दूसरों को अपनी बुलंद आवाज से तकलीफ नहीं दें। औरतों को तो वैसे ही छोटी आवाज में तलबी कहना चाहिए, बुलंद आवाज नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि उनकी आवाज भी पर्दा होती है, लिहाजा दौरान सफर बुलंद आवाज से गुफ्तगू भी ना करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एहराम की पाबंदियों के बारे में डिटेल बताई जाएगी। उसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नादानी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद दम वाजिब हो जाता है, लिहाजा पहले से ही इसकी नॉलेज ले लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, दुआओं में याद रखिएगा।